बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अभी हम नाइन्थ क्लास का मैथ्स उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 2 इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर बनेगा 15। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 2 जो है वो MCQs और प्रूफ आप से तो जो सॉल्व करने वाले हैं वो हम चीज़ें बोर्ड से देख के करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई 4√81 y^-12 x^-8। अब इसकी क्योंकि ये स्क्वेयर रूट नहीं है, फोर्थ रूट है, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन पहले बनाएंगे। तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, बार बार यहाँ बनाने से टाइम दिया होगा आपको खुद से ये याद होने चाहिए। तो 81 जो है ये होता है 3^4 के ही, 3^4 y^-12 और 8^-x। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये 4 रूट है तो इसको हम लिख लेंगे 1/4। अब 3^4, अब ये जो 1/4 है जो होल पावर है ये हर नंबर के साथ पावर ली जाएगी। 3^4 मल्टीप्लाई 1/4 y^-12 मल्टीप्लाई 1/4 x^-8 मल्टीप्लाई 1/4। अब देखिए यहाँ 4 से कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 रह गया। ये 4 1 4 3 y^-3 यहाँ 4 1 4 4 2 तो x^-2 बचेंगे। अब देखिए 3 तो इसकी पावर नहीं है लेकिन y की और x की दोनों की पावर माइनस में है। तो जब पावर माइनस में आ जाए उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। अब ये क्योंकि दोनों नंबर ऊपर है वैल्यू दोनों को नीचे ले आएंगे तो इनकी पावर का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 25 x^10 एंड y^8m। इसमें भी कोई मसला नहीं, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का इंडेक्स हमें पता है 2 होता है। हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक तो फैक्टराइजेशन में और दूसरा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 25 के अगर फैक्टर बनाए जाए तो ये बनता है 5^2 x^10 एंड y^8m। और ये जो इंडेक्स है इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। अब क्योंकि ये होल नंबर की पावर 1/2 तो ये हर नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5^2 मल्टीप्लाई 1/2 x^10 एंड मल्टीप्लाई 1/2 8^8 एंड मल्टीप्लाई 1/2। अब आप इसमें सिंप्लीफाई करें ये 2 से कैंसिल हो गया, सिर्फ 5 बच गया। यहाँ 5 1 5 2 1 2 2 5 10 तो ये x^10 5n। यहाँ 2 1 2 4 8 तो y^4m। बस ये सिंपल इतना सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट x^3 y^4 z^5 / x^-2 y^-1 z^-5 / 1/5। अब ये डिवीजन की शक्ल में लिखा हुआ है तो इसमें हमने एक बात पढ़ी है पहले कि हम जब डिवीजन वाले को हल करते हैं तो छोटी पावर वाले को बड़ी पावर वाले के पास शिफ्ट कर देते हैं तो उस तरीके से फिर ये इजी हो जाता है। अब देखिए नीचे बटे के सारी पावर जो है ये माइनस में है तो ये ऊपर वालों से सबसे छोटी है, ऊपर वाली प्लस में। तो हम नीचे से पावर को ऊपर शिफ्ट करेंगे और वैल्यू को एक नंबर लिखा जाएगा। तो एक्स तो ये 3 पावर पहले है तो ये 2 पावर जब ऊपर शिफ्ट होगी तो इसका साइन प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से y^4 ये नीचे से -1 ऊपर शिफ्ट हो गया प्लस में हो गया। z^5 नीचे वाला ऊपर शिफ्ट हुआ तो +5 4^1/5। अब x^ 3 + 2 5 और ये जो होल पावर है ये हर एक के साथ यहाँ दोनों वाले हमने पार्ट्स में मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x^5 × 1/5। इसी तरीके से y^4 + 1 5 × 1/5 z^5 + 5 10 × 1/5। अब इनकी कटिंग कर लें, 5 5 से कैंसिल हो गया सिर्फ x बचेगा। यहाँ 5 5 से कैंसिल हो गया, यहाँ
यहां 5 बचेगा और यहां 5 बचेगा 5 5 10 यहां z की पावर 2 बचेगी तो ये इस तरीके से ये बड़े सिंपल सवाल होते हैं बड़े सादा आसान प्रैक्टिस से ये पैदा होता है कि आपको जो मैथिक क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने में बड़ी मदद होती है मैं इसका पार्ट पे चलते हैं 32x पावर माइनस 6 y पावर माइनस 4 z डिवाइडेड बाय 625 x पावर 4 y पावर 1 z पावर माइनस 4 होल पावर 2/5 अब इसमें देखिए नंबर भी साथ है वेरिएबल भी साथ है तो नंबर की हम फैक्टराइजेशन करेंगे वेरिएबल की हम पावर को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल जो हमने पढ़ा है कि छोटी पावर को बड़ी पावर के पास ले जाएंगे तो ये 32 की अगर फैक्टराइजेशन करें पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है तो ये बनता है 2^5 अब एक्स की देखें एक्स की ये ऊपर वाली पावर जो है छोटी है क्योंकि ये माइनस में है नीचे वाली पावर बड़ी है तो एक्स को हम नीचे शिफ्ट कर देंगे ये एक करा पावर को लगता हो जाएगी वो ये लिया तो प्लस हो गया बराबर बाई बाई की ऊपर पावर माइनस में है और नीचे प्लस में है तो ऊपर वाली छोटी है इसको नीचे शिफ्ट करेंगे 1 + 5 और जेड जेड की पावर ऊपर वाला है नीचे माइनस हो रहा है तो नीचे वाली पावर छोटी है इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये जगह 1 + 4 होल पावर 2/5 और ये जो 6 to 5 है इसकी पावर इसको जब फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी तो ये 5 power 4 ये होता है अब हम इसको मिला लेते तो ये 2 की पावर 5 ये होल पावर मल्टीप्लाई होगी साथ आ जाएंगे तो 5 × 2/5 जेड की पावर 1 + 4 5 मल्टीप्लाई 2/5 5 की पावर 4 × 2/5 एक्स की पावर 4 + 6 10 मल्टीप्लाई 2/5 y की पावर 1 + 4 5 मल्टीप्लाई 2/5 अगर किसी इक्वेशन में लेंगे ये 5 5 से कैंसिल हो गया 2 की पावर 2 यहाँ पे 5 5 से कैंसिल हो गया z की पावर 2 ये देखिए आगे यहाँ नीचे पावर की कैंसिलेशन नहीं होती क्योंकि 4 2 का जो मल्टीप्लिकेशन में जो फ्रैक्शन होती है उनके डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से तो ये 4 2 का 8 / 5 x यहां 5 × 5 = 2 × 10 ये 2 × 4 x पावर 4 यहां 5 से करें तो क्या भाई की पावर 2 अब यहां 2 की पावर 2 है तो ये 2 × 4 z की पावर 2 बाकी को साथ को इसी तरीके से देखने इनका कोई और सॉल्यूशन नहीं करना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सिंपलीफाई ये क्वेश्चन है कि हमने एक्सरसाइज 2.4 में भी किया है बिल्कुल सेम रकम है सेम नंबर है सारा कुछ सेम मेथड है सिर्फ एक चीज का फर्क है कि वहां एक्सरसाइज 2.4 के अंदर यहां -1/2 है यहां -3/2 है तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से ये 216 जो 6 की पावर 3 के बराबर मल्टीप्लाई का और पावर से मल्टीप्लाई होगी 2/3 5 की फैक्टराइजेशन करेंगे 5 power 2 × 1/2 और ये नीचे 0.04 है इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो ये 4/100 हो जाएगा ये पॉइंट के बाद 2 किया है तो ये 2 के बराबर पॉइंट के साथ -3/2 और ये स्क्वायर रूट को खत्म कर रहा है ये एंड पे जाके बड़ी चीज खत्म हो जाता है अब ये 3 से कैंसिल हो गया 6 की पावर 2 ये 2 से कैंसिल हो गया सिर्फ 5 आ गया यहां 4 × 1 = 4 और 4 × 25 = 100 पावर -3/2 और स्क्वायर फिर ये स्टेप में 6 की पावर 2 × 5 अब ये 1/1/25 है सिर्फ इसकी पावर माइनस में है इसलिए हम इसको बटे के नीचे ही रखते हुए इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 1/25 है ये 25 में कन्वर्ट होगा या फिर 25 में कन्वर्ट होगा तो इसकी पावर का साइन का माइनस का आप प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने वो बटे से ऊपर लेने की कोशिश कर ली है अब अगले स्टेप में 6 की पावर 2 × 5 अब ये 25 है ये 5 की पावर 2 के इक्वल होता है मल्टीप्लाई इसकी जो पावर आती है 3/2 अब 6 की पावर 2 × 5 ये कटिंग होगी 2 से कैंसिल हो गया ये बच गया 5 की पावर 3 अब जैसे हमने वेरिएबल की पावर की थी उसी तरीके से देखें 6 की पावर 2 / 5 नीचे वाले 5 की पावर बड़ी है ऊपर वाले 5 की पावर छोटी है
पावर को नीचे शिफ्ट कर रही है तो ये 5 पावर 3 माइनस 1 ये फिर आपको बता रहा कि वेरिएबल फोर्स क्या है नंबर को उसकी पावर छोटी बड़ी को आप इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन नंबर को या वेरिएबल को नहीं है तो 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय यहां 3 में से 1 माइनस हो गए तो इसकी 5 पावर 2 बची है अब 6 का भी स्क्वायर है और 5 का भी स्क्वायर है और दोनों का स्क्वायर रूट है जो आम सेट में काम करते हैं बार-बार दोहराते हैं कि जी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों का होल का स्क्वायर रूट है और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये दोनों का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया ये 6/5 ये इसका आंसर बचेगा और इन सवालों के बारे में एक बात और बोल दें कि ये क्लास टेस्ट हो स्कूल टेस्ट हो या बोर्ड की सतह का पेपर हो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से अक्सर बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसलिए अगर आपको समझ आ गई हो तो बड़ी अच्छी बात है ना ही हो तो इसको दोबारा से रिपीट करके प्रैक्टिस करके देखें फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी।